सूर्यवंशी की रिलीज डेट का हुआ ऑफिशियल ऐलान। अपने ट्विटर पर फिल्म की डेट की अनाउंसमेंट करते नजर आए भाईजान। जी हाँ, साल 2020 की दो बड़ी फिल्मों का क्लैश अब ऑफिशियली टल गया है। जी हाँ, अक्षय कुमार स्टार सूर्यवंशी और सलमान खान स्टार इंशाल्लाह के बीच अब क्लैश नहीं होगा। सूर्यवंशी की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। फिल्म अगले साल 27 मार्च को रिलीज होगी। इस बात की जानकारी सबसे पहले अक्षय ने नहीं बल्कि खुद सलमान खान ने दी। सलमान ने अपने ट्विटर पर रोहित शेट्टी के साथ एक पिक शेयर करते हुए लिखा कि मैं हमेशा रोहित को अपना छोटा भाई मानता था और आज प्रूफ भी हो गया। सूर्यवंशी की रिलीज डेट से एक बात तो साफ है कि सलमान ने 2020 की अपनी ईदी कुर्बान नहीं की। हाल ही में कटरीना ने एक इंटरव्यू में इनडायरेक्टली कहा था कि सलमान दोनों फिल्मों का क्लैश नहीं होने देंगे और शायद फिल्म इस बार ईद पर रिलीज नहीं होगी। इसके बाद E24 के एंटरटेनमेंट एडिटर नीरू शर्मा के इसी सवाल पर भी कटरीना हामी भरती नजर आई थी कि दोनों फिल्मों के क्लैश को सलमान खान टाल देंगे। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि सूर्यवंशी का जब डेट क्लैश हो रहा था, आपने बोला नहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद सलमान डिले कर देंगे फिल्म डिले हो गई। फिर अली को आपने बोला कि यू नो यू विल बी विद मी एंड यू विल कम बैक टू मी, दैट वाज द इंट्यूशन। अली आल्सो एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द इंटरव्यू इन वेरी ह्यूमन फैशन। आई डोंट रिमेंबर सेइंग दिस। यू बोलते ना, एक वो हिंदी में कहावत है कि आपके मुंह पे सरस्वती बैठी है, कि जो आपने बोला वो बात सच हो जाती है। आई होप सो, आई होप सो, आई होप सो विद एवरीथिंग। बट लग रहा है आपको, आई मीन दीस इंट्यूशंस आर कमिंग अलाइव, यू नो, व्हाटएवर यू आर थिंकिंग इज जस्ट कमिंग अलाइव राइट नाउ। यू नो, आई थिंक इन दिस टू केसेस दिस वाज जस्ट, I mean, you call it either destiny or you call it coincidence. Mm-hmm. I don't know. Like, you know, it's how sometimes things happen and how they happen for the best. लेकिन सलमान ने इन सब को सिर्फ अफवाह साबित किया और सबके सामने ऐलान कर दिया कि सूर्यवंशी अगली 27 मार्च को रिलीज होगी। यानी सलमान 2020 की ईद किसी के लिए भी कुर्बान नहीं करेंगे, चाहे वो रोहित शेट्टी हो, अक्षय हो या फिर उनकी बेबी ही क्यों ना हो। वैसे सलमान के इस ऐलान के बाद उनके फैंस काफी खुश हैं। हो भी क्यों ना, हर साल ईद के मौके पर सलमान अपने फैंस को ईदी देने जो आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।